सो व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर बेवलेट वीडियो। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या होता अगर काई वॉल्टेयर से दिया हुआ ब्लैक डॉन्जर एक्सेप्ट कर लेता। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि हमको पता है, स्पेंसर से हारने के बाद वॉल्टेयर काई को ब्लैक डॉन्जर ऑफर करता है ब्लेड ब्रेकर्स के बिटबीज के बदले में, और काई इस ऑफर को डिक्लाइन भी कर देता है। लेकिन सपोज करो अगर काई ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता तो क्या होता। स्पेंसर अपने बाकी के बचे दो मैचेस में से एक भी मैच नहीं जीत पाता, बिकॉज काई के पास अब ब्लैक डॉन्जर है जो कि वाटर अरीना में उतना कमजोर नहीं है जितना कि डॉन्जर था। बाकी की स्टोरी सेम चलती, रे और टाइसन अपने अपने मैचेस जीत जाते और ब्लेड ब्रेकर्स बन जाते वर्ल्ड चैंप। उसके बाद फाइनली वो टाइम आता जब काई को वॉल्टेयर को दिया हुआ ब्लेड ब्रेकर्स के बिटबीज चुराने का वादा पूरा करना पड़ता। तो या तो वो उसे पूरा करता या फिर वॉल्टेयर को धोखा देता। असल में मैंने ब्लैक डॉन्जर के ऊपर एक थ्योरी वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि ब्लैक डॉन्जर के ऊपर एक कर्स है, यानी ब्लैक डॉन्जर अपने यूजर की सोल को करप्ट कर देता है, एक तरह से उसे इविल बना देता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि काई कोई बुरा आदमी नहीं है, वो ब्लेड ब्रेकर्स को कभी भी धोखा नहीं देता। लेकिन चूंकि ब्लैक डॉन्जर वापस से लेने के बाद उसके दिमाग पे ब्लैक डॉन्जर का असर हो जाता और वो इविल बन जाता, इसीलिए वो ब्लैक डॉन्जर के कंट्रोल में होता और ब्लेड ब्रेकर्स के बिटबीज उसे चुराने पड़ते। उसके पास सारे बिटबीज होते बोरिस और वॉल्टेयर के कब्जे में और उनका वर्ल्ड डोमिनेशन का सपना भी पूरा हो जाता। उसके बाद काई के ऊपर ब्लैक डॉन्जर की पावर हावी होने लगती, ठीक उसी तरह से जैसे रायुगा के ऊपर एल ड्रैगो की पावर हुई थी मेटल सीरीज के सीजन 1 के फिनाले में। उसके बाद ब्लैक डॉन्जर बेवलेट तोड़ के बाहर निकल जाता और दुनिया में तबाही मचाने लगता, बिकॉज उसका इनहेरेंट नेचर है डिस्ट्रक्शन। ऐसे मोमेंट पे बोरिस उन बिटबीज की मदद से जो कि उसने रशियन टूर्नामेंट में चुराए थे ब्लैक डॉन्जर को रोकने की कोशिश करता, लेकिन कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल होता, बिकॉज ना तो बोरिस एक प्रोफेशनल ब्लेडर है और ना ही ब्लिस्टिक बॉयज के पास उन बिटबीज को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, और इसीलिए बोरिस को अपनी गलती का एहसास होता और वो उन सारे बिटबीज को उनके ओरिजिनल ब्लेडर्स को लौटा देता। और जब ब्लेड ब्रेकर्स के पास उनके बिटबीज वापस आ जाते, काई भी उनको ज्वाइन कर लेता, तो फिर सब मिलके ब्लैक डॉन्जर को फाइनली सील कर देते और इसी के साथ ये सीजन हो जाता ख़त्म। तो ये कोई अल्टरनेट एंडिंग नहीं है, यहाँ हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशन की कि सपोज काई ब्लैक डॉन्जर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट और इम्प्लीकेशंस होंगे सीजन 1 की स्टोरी लाइन पे। तो गाइस इस वीडियो को तो मैं यहीं तक रखूंगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल का नाम है स्ट्रॉबलेट्स। मैं एनिमे, कार्टून्स, खासतौर पर बेवलेट और बेंटन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। आप चाहो तो उस चैनल को चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच टू अल्टीमेट हकाई फॉर हैविंग मी ऑन हिज चैनल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।